आप लोगों के साथ यूपी की भी और बिहार की फेमस रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ख़ासकर कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी शेयर करूँगी। बहुत ही बेसिक मसालों से ये हमारी कचालू की रेसिपी बनती है। दो नए तरीके से मैं आपको बताऊँगी, आपको कौन सा तरीका पसंद आया प्लीज़ कमेंट करें। नमस्ते दोस्तों, बजट की रसोई में आप सभी का स्वागत है। बिना देर किए हुए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं, पर आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी ना किया करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने दो बर्तन में आलू ले लिया हुआ है, बर्तन में इसलिए लिया हुआ है कि हम दो तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटी आलूएँ थी, नई आलू हैं, तो इसे हम दो तीन पानी अच्छे से धोकर कुकर में उबालेंगे। गांव में तो अक्सर चूल्हे पर हांडी में पकाया जाता है, तो हमारे पास तो हांडी नहीं है और चूल्हा भी नहीं है, तो इसीलिए हमने इसे कुकर में पकाया। चार सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। जब तक हमारी आलू पक रही है तब तक हम दूसरे रेसिपी के लिए आलू छील लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक बड़ी आलू थी और हम दो ही खाने वाले थे, तो मैंने थोड़ा ही बनाया है। आप अपनी फैमिली की क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते, ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने आलू छील लिया हुआ है, बहुत बड़े बड़े पार्ट नहीं किए हुए, बहुत छोटा भी नहीं किया, इस साइज़ में हमें चाहिए। अब कुछ बेसिक मसाले हमें कचालू में बनाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर 4-5 हरी मिर्च, हरी मिर्च से इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। साथ में ही लहसुन की 4-5 कलियाँ और धनिया भरपूर डालें, क्योंकि धनिया इस समय सस्ती मिल रही है और धनिया हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर हमने मसाला पीस लिया हुआ है, अब बाकी कोई भी मसाला हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी आलू पक चुकी है, तो यहाँ पर मैंने हाथ पहले ही गरम गरम कुकर में डाल दिया, ये गलती आप ना करें नहीं तो जल जाएंगे। फिर चिमटे से इसे निकाल लेंगे और आलू को ठंडा होने से पहले ही छील लें, नहीं तो इसमें छीलने में काफ़ी नई आलू को दिक्कत आती है। तो गर्मा गर्म छीलेंगे तो बहुत ही आसानी से इसे आप छील लेंगे। तो यहाँ पर आलू तो मैंने छील लिया, लेकिन नई आलू को चटनी के साथ खाने में जो टेस्ट आता है बहुत ही, ये खासकर यूपी में और बिहार की तो नहीं बता सकती, यूपी के ठंडी के समय इसे एक हांडा भर के बनाया जाता है और हरी हरी चटनी धनिया की पीस कर सभी लोगों को इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है और काफ़ी चटकारे तीखी चटपटी धनिया की चटनी और फिर आलू, इसका टेस्ट तो माई ब्लूमिंग है। तो फिलहाल थोड़े से हमने खाए और फिर उसके बाद अपने काम पे लग गए। आलूओं को हमें बहुत छोटा छोटा नहीं काटना है, एक आलू में 4 भाग करने हैं। तो फिर चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया, थोड़े से जीरे डाल दिए हुए हैं, यहाँ हम सब्जी नहीं बना रहे हैं फिर भी थोड़े से जीरे डाल देंगे तो चलेगा। फिर उसके बाद जो हमने आलू कच्चा काट कर रखा हुआ है उसे इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा चला लेंगे और इसे चलाने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने मटर, सीजनल मटर है, मटर की भी बहार आ चुकी है, हरी धनिया, नई आलू और मटर, तो मटर की रेसिपी तो बनानी बनती है। इस तरह से भी कचालू बनाया जा सकता है, बनाते भी हैं, तो ये काफ़ी टेस्टी लगती है। मटर और आलू की ये टेस्टी कचालू रेसिपी तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है कलर के लिए, थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि ये ऐसे ही अच्छी लगती है, लेकिन हल्दी डालने से इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। तो ये आलू हमारी पक चुकी है 50%। अब हम इसमें जो मसाले पीस कर रखे थे ना, हरी धनिया, लहसुन और मिर्ची का, उसमें ऐड कर देंगे आधा आधा, दूसरी रेसिपी के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसे धीमी आंच पर पकाएंगे।
इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। इसे पकने में सिर्फ 10 मिनट लगता है। और ये देखिए हमारी कचालू बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार इसे ज़रूर बनाएं। तो ये देखिए हम पक चुकी है, अब हम इसे फटाफट सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए दिखने में ही ऐसी टेस्टी लग रही है, इसका कलर जो लुकिंग है बहुत ही अच्छा लगता है। और ख़ासकर खाने में तो एक बार बनाएंगे ना तो हर बार यही ठंडी में बनाना पसंद करेंगे। थोड़ी सी धनिया से हमने यहाँ पर गार्निश कर दिया है। तो ये देखिए फाइनली हमारी ये टेस्टी रेसिपी कचालू की तैयार है। अब दूसरी रेसिपी को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा जीरा डालेंगे और अच्छे से जीरे को स्प्रिंकल होने देंगे। और जब जीरा अच्छे से स्प्रिंकल हो जाए तो हमने जो उबाल कर आलू रखा हुआ था उसे कट करके उसे इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने आलू को पकाना नहीं है तो हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसे अच्छे से आलू के साथ नमक को मिला लेंगे जो तड़का लगाया हुआ है। उसके बाद जो मसाला बचा हुआ था धनिया मिर्चा लहसुन का उसे इसमें ऐड कर देंगे। और इसे थोड़ा सा पानी हम डालकर इसमें पका लेंगे। हल्की सी हम यहाँ पर हल्दी भी इस्तेमाल करेंगे, हल्दी नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा हल्दी डालने से इसका कलर अच्छा आता है, इसीलिए हमने यहाँ पर हल्दी डाली हुई है। और हम जब दोपहर को ये सब बनता था तो काफ़ी नई आलू जाके खुद के लाते थे, धोते थे और फिर हंडी में पकाया करते थे। और उसके बाद जिनको कचालू चटनी के आलू ऐसे ही चटनी के साथ पसंद होता था वो ऐसे खाते थे, नहीं तो इस तरह से धनिया मिर्ची लहसुन को पीस कर थोड़ा सा तेल डालकर इस तरह से पका लिया करते थे। तो इस तरह से अभी भी बनाया जाता है, ख़ासकर ठंडियों में तो काफ़ी अच्छा लगता है। दोपहर का ये नाश्ता हुआ करता था तो गर्मा गर्म यहाँ पर हमारा कचालू बनकर तैयार हो गया है। और इसे ना चम्मच से नहीं खाया करते थे, क्योंकि चम्मच नहीं हुआ करते थे हर घर में, नहीं पर कुछ घरों में ऐसा होता था। तो जो अरहर का दाल का डंठल आता था ना उससे खाया करते थे। तो आज मुझे उन्हीं दिनों की याद आ गई अपने बचपन की। तो मैंने यहाँ पर अगरबत्ती का या टूथपेस्ट भी से खा सकते हैं या चम्मच से खा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी टेस्टी आलू कचालू की दो नई रेसिपी तैयार है। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी में।